से नौजवान उस इस नई नस्ल के एक ऐसे शायर से गुजारिश करता हूं, जैसे मैंने कहा कि फिल्म और इल्म का बड़ा गहरा रिश्ता है। फिल्मी शोरा ने हमें बहुत कुछ दिया, आज भी हम पुराने नगमे जब सुनते हैं तो हमें अपने माजी की याद आती है। और फिल्मी अदब से भी कोई ऐसा माहौल नहीं रहा, साहिर साहब को कौन नहीं जानता, वो फिल्म में भी और इल्म में भी अदब में भी सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं। आइए, तकरीबन मैं समझता हूँ कि कई दर्जन फिल्मों में उनके गीत आ चुके हैं। बाजीराव मस्तानी में अभी अभी उनको एक नगमे पर अवार्ड मिला है और उनके डायलॉग भी बहुत हिट हुए हैं। बहुत खूबसूरत लबो लहजे के शायर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अबू आसिम आजमी साहब के बड़े चहेते हैं, इस मुशायरे खासकर साकिनाका वालों के बड़े चहेते हैं। एम तुराज साहब से गुजारिश करता हूं कि खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यार। अस्सलाम वालेकुम, आप बहुत अच्छा मुशायरा सुन रहे हैं। बगैर किसी तमहीद के एक मतला और दो तीन शेर से मैं आगाज करता हूँ कि इश्क का बोझ उठाते हुए थक जाते हैं, इश्क का बोझ उठाते हुए थक जाते हैं हम तेरा नाम छुपाते हुए थक जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने जनाबे जौहर कानपुरी साहब, तशरीफ फरमाओ। क्या कहने तराज में, वाह वाह। इश्क का बोझ उठाते हुए थक जाते हैं हम तेरा नाम छुपाते हुए थक जाते हैं, और ए गर्दिशे रफ्तार जरा देर तो रुक हम तेरा साथ निभाते हुए थक जाते हैं। वाह 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 वाह, शुक्रिया। यहाँ से सीधे सीधे मैं एक बिल्कुल नई गजल जो मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ी है, मैंने यहाँ के लिए स्पेशल गजल लिखी है, मैं वो आप तक पहुँचाऊंगा इंशाल्लाह, आप मेरा साथ देंगे। मुझे यकीन है, मुझे पहले भी आपने बड़ी मोहब्बतें दी हैं। आसिम साहब, मतलब हाजिर है कि हर एक शय में कहीं कुछ कमी निकलती है, हर एक शय में कहीं कुछ कमी निकलती है तेरे बगैर कहाँ जिंदगी निकलती है। मुझे देखना यह है कि मोहब्बत के साथ कितने लोग हैं। तो यहां से ये शेर के, तेरे बगैर कहाँ जिंदगी निकलती है, और मतलब ऐसा नहीं है कि तेरे ख्याल की जब डायरी निकलती है, तेरे ख्याल की जब डायरी निकलती है, कितने लोग मोहब्बत कर चुके, कितने करते हैं वो सबूत दे के, तेरे ख्याल कि जब डायरी निकलती है हर एक सफे पे नई शायरी निकलती है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह, हर एक सफे पे नई शायरी निकलती है। और अब जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूं उसमें मोहब्बत का जादू है, अगर आप तक पहुंचे तो ओके। तुम्हारा जिक्र अंधेरों को मार देता है, तुम्हारा जिक्र अंधेरों को मार देता है तुम्हारे नाम से एक रोशनी निकलती है। वाह 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 वाह, तुम्हारे नाम से एक रोशनी निकलती है। और खास तौर से शेर अबू आसिम आजमी साहब की नजर के, तुम्हारे हिजर का मौसम गुजर नहीं सकता, तुम्हारे हिजर का मौसम गुजर नहीं सकता हमारी आँख से अब तक नमी निकलती है। और दोस्तों, मेरा ये मानना है कि मोहब्बत और वफा कभी भी खसारे में नहीं रहती है। उसके हवाले से शेर के,
तुम्हारे नाम से एक रोशनी निकलती है। क्या कहने, वाह वाह वाह। वफा के पेड़ पे पतझड़ कभी नहीं आता। वफा के पेड़ पे पतझड़, वफा के पेड़ पे पतझड़ कभी नहीं आता। हर एक शाख यहाँ की हरी निकलती है। तेरे ख्याल की जब डायरी निकलती है। और हम सब लोग गांव से चल के मुंबई तक पहुंचे हैं। गांव और मुंबई का जो सफर है उसके बीच में जो मैंने फर्क महसूस किया उसके हवाले से ये शेर के, हमारे गांव के लड़के भी कितना सादा हैं। हमारे गांव के लड़के भी कितना सादा हैं। हमारे गांव में आप भी परी निकलती है। हमारे गांव में बहुत शुक्रिया। हमारे गांव के लड़के भी कितना सादा हैं। हमारे गांव में अभी परी निकलती है। क्या साहब, मौला साफी साहब पूछ रहे हैं कि वो कौन सा गांव है, जरा मैं भी जाके देखूं। जी वो गांव हर गांव में है। अगर आप गांव, जी मैं एक मख्ता हाजिर करके फिर जो है अपनी जगह लूंगा कि तू राज तूने कहां जाके घर बसाया है। तू राज तूने कहां जाके घर बसाया है। तेरे मकान से बचकर खुशी निकलती है। वाह वाह वाह।